तो तू अपने कई प्रश्न होगा कि इस मोबाइल में इतनी रैम है, इसमें इतनी रोम है, ये कंप्यूटर में इतनी हार्ड डिस्क है। आपको पता है कि हार्ड डिस्क और रैम क्या होती है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भाव टेक। लेट्स स्टार्ट। आपने कई बार रैम और रोम के बारे में सुना होगा। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसे हम HDD भी बोलते हैं या SSD भी बोलते हैं, सॉलिड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव। अब सबसे पहले बात करते हैं रैम की। रैम क्या होती है और ये कैसे काम करती है? रैम एक वो चिप होती है या फिर यह कोई हार्डवेयर होता है जो आपकी मदरबोर्ड में लगा होता है। अगर मोबाइल की बात करें तो वो उस हार्डवेयर के अंदर या उस मदरबोर्ड के अंदर पहले से इंस्टॉल होता है। और कंप्यूटर की बात करें तो आप उसके अंदर रैम को घटा बढ़ा भी कर सकते हैं या फिर कोई नई बड़ी रैम ला सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। मगर मोबाइल में एक रैम फिक्स होती है। रैम एक वो हार्डवेयर होता है जो आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। ये आपकी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेता है, उन्हें एक्सेस करता है, उसके बाद वो आगे इंफॉर्मेशन भेज देता है। ये आप जैसे आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करते हैं उसके अंदर जो फीड इंफॉर्मेशन है वो सारी हट जाती है। मगर रोम में ऐसा नहीं होता। आप रोम में जो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं जब तक आप उसे नहीं हटाएंगे वो उसके अंदर ही रहती है। मगर रैम में आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन काम में ले रहे हैं तो वो जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करेंगे या फिर उस प्रोग्राम को काटेंगे तो वो अपने आप उसके अंदर से हट जाएगा जो आपने खोला था। रैम आपका प्रोसेसर में काफ़ी मदद करती है। जैसे ही आपने कोई प्रोग्राम खोला है वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इकट्ठा कर लेती है, ताकि अगर आप अगली बार उस प्रोग्राम को खोलें तो वो जल्दी खुल सके और ज़्यादा स्मूथ काम करे। मगर रैम की बात करें यानी कि आपके हार्ड डिस्क ड्राइव की, ये रोम आपके कंप्यूटर के अंदर आप जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर सेव करते हैं वो उसके अंदर सेव रहती है। चाहे आप उसे 10 साल बाद खोलें या 20 साल बाद, वो वहीं की वहीं सेव रहती है। ये होती है रोम की काम। अब बात करें रोम के अंदर क्या होता है। रोम के अंदर अगर आपका मोबाइल में है तो उसके अंदर वो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। मगर कंप्यूटर की रोम की बात करें यानी हार्ड डिस्क की, तो उसके अंदर आपको कई सारी डिस्क देखने को मिलती है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर सेव करती है। ये होती है उसकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी की, वो कितना GB की है या फिर अलग अलग। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की रैम में जो RPM होते हैं वो क्या होते हैं। RPM मतलब कंप्यूटर के अंदर जो मोटर लगी हुई है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर जो मोटर लगी हुई है उसकी स्पीड, वो कितनी स्पीड में घूमती है, 1 सेकंड में कितने राउंड पूरे करती है, वो होती है इसकी स्पीड। ये स्पीड आपकी 5400 RPM या 7400 RPM भी हो सकती है। ये आपकी कंपनी के स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करती है कि कंपनी आपके उस हार्ड डिस्क में कौन सी मोटर देती है उसके हिसाब से। और बात करते हैं कि ये आपके कंप्यूटर में कितनी ज़रूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में रोम या रैम ना हो तो आपका कंप्यूटर चलना नामुमकिन है। अब बात करते हैं कि आपके एक नॉर्मल कंप्यूटर में लगभग कितनी रैम काफ़ी होती है। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 8 GB रैम या फिर 4 GB रैम आपके कंप्यूटर के लिए अच्छी होती है। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आपके 2 GB से लेकर 4 GB तक रैम काफ़ी होती है। अगर रोम की बात करें तो कंप्यूटर में आपको लगभग 500 GB हार्ड डिस्क, और अगर मोबाइल की बात करें तो आपको लगभग 32 GB या 64 GB या उसके ऊपर आपको रैम या रोम काफ़ी होती है काम में लेने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल चुका होगा रैम क्या होती है और रोम क्या होती है। रैम का काम होता है आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड करना, मगर रोम का काम होता है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। ये होती है रैम या रोम का काम। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।